हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सारे? आई होप आप बिल्कुल ठीक हो गए। और आज हम जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है आपके लेजेंड ऑफ द इंडियन आर्मी। ठीक है, ओनली वन ऑफ द टू इंडियंस टू होल्ड द रैंक ऑफ द फील्ड मार्शल। कुछ चुनिंदा लोगों में से जिन्हें इतने सारे ऑनर्स मिले हैं। ठीक है, 1947 के वॉर में, 65 के वॉर में, 71 के वॉर में इन्होंने लीड करा। ओके, और ना जाने कितने तो उन्होंने हमारे को बैटल जितवाए हैं। ओबीई से ये सब मान्यता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जिसे ओबीई कहते हैं। सैम मैनेकशॉ के बाद ये इकलौते ऐसे इंडियन है जिन्हें आपकी फील्ड मार्शल की रैंक मिली नामी में। और पहले कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद पहले ऐसे आदमी थे या पहले ऐसे इंडियन थे जिन्हें इंडियन आर्मी का कमांड दिया गया। तो हमारे हीरो, हम सबके हीरो, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अपने फील्ड मार्शल के एम करियप्पा जी के बारे में। कौन थे, क्या उनकी अर्ली लाइफ हिस्ट्री थी, कब उन्होंने कॉलेज ज्वाइन करा, कहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन करी, कौन सा वॉर उन्होंने लीड करा, कब उन्हें मतलब बाकी सम्मान मिले, सब देखेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेक श्योर करें कि आप हर दिन ये सेशन देखा करिए। शुरू करते हैं। फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, फर्स्ट इंडियन कमांडर चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, पहले हिंदुस्तानी कमांडर चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी फील्ड मार्शल के एम करियप्पा जी के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इनके जैसे बने तो मैं आपको बताऊंगा आपको करना कि आपको डिफेंस मैवरिक बैच को लेना है। कंप्लीट बैच ये एनडीए का, ये 4 मई से स्टार्ट हो रहा है। इसका कोड है आपका वाईफाई डिफेंस। अगर आप यूज करेंगे तो 10% के डिस्काउंट के साथ साथ आपको हमारे जो पर्सनल ग्रुप से उनमें जुड़ने का मौका मिलेगा, जिसमें हम आपको स्ट्रैटेजी, टिप्स और छोटे छोटे मटेरियल सब देते रहते हैं अलॉन्ग साइड विद द कंटेंट। इस बैच में जुड़ने के बहुत फायदे हैं। एक फायदा यह है कि आपको पहले अटेम्प्ट में आपको जॉब मिल जाएगी, कोई आपको भटकने की जरूरत नहीं है। और जिसको लगता है सर फीस 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 फीस, मैं उसको एक चीज़ बताता हूँ, आप अपने फ्यूचर में अगर इन्वेस्ट करके जॉब पा रहे हो तो वो कोई गलत नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप नहीं इन्वेस्ट कर रहे, सोच रहे सिर्फ यूट्यूब से हो जाएगा, तो मैं आपको एक आपको मिथ ब्रेक कर देता हूँ। यूट्यूब से तो हो जाएगा लेकिन चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि बच्चे सीरियस नहीं होते ज़्यादा। जो सीरियस बच्चा होता है आप अन अकेडमी के एक बार प्लेटफॉर्म पर आकर देखना। चलिए, आप एक काम करिए, आज मैं 4 बजे यहाँ पे फ्री सेशन ले रहा हूँ जिसमें मैं आपको कोई भी करंट का टॉपिक समझाने वाला हूँ। कल भी मैंने 9 बजे लिया था, आप यहाँ आके देखना 4 बजे अन अकेडमी के फ्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। आपको बस सर्च करना प्रणाम दत्ता, आपको मेरी क्लास दिख जाएगी। आप वहाँ आके देखना क्या एटमोसफेयर होता है, कैसे बच्चे आते हैं। आप वहाँ आके जरूर देखना, आपको पता चलेगा कि कैसे आप कहाँ आप में डिफरेंस है, कहाँ उन लोगों में डिफरेंस है। आप वो आके देखना, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। क्योंकि वहाँ पे ना बच्चा मजाक कर ही नहीं सकता, वो ऑटोमेटिकली वो ब्लॉक हो जाएगा अगर वो वहाँ पे मजाक करेगा। बिल्कुल, टीचर को एक बार बोलने की जरूरत है, वो सिस्टम ऑटोमेटिक ब्लॉक कर देगा। तो जरूर आइए, आप देखना उसको, आपको समझ में आएगा कि किसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जरूर आना। जिसका पहले अटेम्प्ट में जॉब चाहिए ना इंडिया की, वो ये वाला बैच ले, 4 मई को शुरू हो रहा है। ये हमारे फर्स्ट इंडियन कमांडर चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी के एम करियप्पा जी। इनका जन्म आपका 28 जनवरी 1979 को हुआ, नहीं 1899 को, 1899। और इनके मृत्यु 15 मई 1993 को हुआ, 1993। ये 15 जन 1949 को इन्हें फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी बनाया गया। इन्होंने इंडियन फोर्सेस को लेड करा वेस्टर्न फ्रंट से, जो कि पाकिस्तान के साथ लगता था, इंडो पाकिस्तानी वॉर 1947 में। ड्यूरिंग दिस 1965 एंड 1971 फॉर, मतलब 1965 और 1971 के वॉर के दौरान इन्होंने फ्रंट लाइन से ट्रूप्स को लीड करा और उनके मोरल, उनके जज्बे को मतलब हमेशा ऊपर रखा। इन्होंने इराक, सीरिया और ईरान में भी कैंपेन्स करी हुई हैं। इन्हें फील्ड मार्शल की रैंक से 1986 में नवाजा गया। और ये दो ही ऐसे इंडियन आर्मी ऑफिसर थे जिन्होंने हाईएस्ट रैंक ऑफ फील्ड मार्शल होल्ड करी है। पहले कौन से थे आपके? सैम मैनेकशॉ जी, फील्ड मार्शल सैम मैनेकशॉ। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मेरी सीरीज में जाके देखें, हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, और ये इनका फील्ड मार्शल का बेटन है, ये इनका फील्ड मार्शल का बेटन है। अगला, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा 1942 में ये पहले ऐसे इंडियन ऑफिसर बने जिन्हें एक कमांड दिया गया एक यूनिट का बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी से पहले ही इन्हें कमांड दे दिया गया था कि आप एक यूनिट संभालिए। इनको फॉन्डली किपर के नाम से जाना जाता था, किपर। और ये ओनली इंडियन है सामान्य शौक जिन्होंने फील्ड मार्शल के रैंक होल्ड कर लिया। 1946 में कर्नल अयूब खान, जो कि लेटर बने फील्ड मार्शल एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने के एम करियप्पा जी के अंडर सर्व करा। मतलब अयूब खान जी को ट्रेन करने वाले भी आपके कौन थे? ये आपके के एम करियप्पा जी। और 1947 में इन्होंने आर्मी के एमिकेबल डिविजन्स करे। ठीक है, आर्मी के एमिकेबल डिविजन मतलब जिससे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना हो।
और अपने एसेट्स को इंडियन पाकिस्तान के बीच में शेयर करा, क्योंकि पार्टीशन हो गया। तो देखिए, एक तो पार्टीशन हो रहा है, साथ साथ अब आर्मी के डिविजन्स भी हैंडल कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा एक मुश्किल टास्क हो रहा था, लेकिन उसको भी इन्होंने एक बहुत ही अच्छे ढंग से संभाला, एक बहुत ही अच्छे ढंग से संभाला इन्होंने उस टास्क को भी। केम करियप्पा जी फील्ड मार्शल कोंडनडेरा कीपर मडप्पा करियप्पा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 19 दिसंबर 1898 से 15 मई 1993 को फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी थे। इन्होंने इंडियन फोर्सेस को लड़कर इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1947 में, इन्हें कमांडर चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी 1949 में बनाया गया, और ये दो इंडियंस में से हैं जिन्हें फील्ड मार्शल की रैंक दी गई, और ये 5-स्टार रैंक होल्ड करते हैं। इनका मिलिट्री करियर स्पैन करता 3 डिकेड से ज़्यादा, मतलब 30 साल से ज़्यादा। ओके, इनका जन्म वाका मडिकेरी कोडागु में हुआ था, और करियप्पा ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया था आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने ज्वाइन कर लिया था ब्रिटिश इंडियन आर्मी को, और कमीशन करा गया था पहले इन्हें टेम्परेरी फर्स्ट लेफ्टिनेंट के बेसिस पे इनटू 2/88 कर्नाटक इन्फेंट्री, कर्नाटक मतलब कर्नाटका वाला एरिया। फिर इन्हें ट्रांसफर करा गया बहुत बार अर्ली इन हिज करियर बिफोर इन्हें 1/7 राजपूत में बिल्कुल परमानेंट रेजिमेंट की तरह रख दिया गया। ओके ओके, अगला, ये पहले मिलिट्री ऑफिसर थे, इंडियन मिलिट्री ऑफिसर, जिन्होंने स्टाफ कॉलेज क्वेटा को अटेंड करा, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने एक बटालियन को कमांड करा, और ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट टू इंडियंस टू सेलेक्टेड टू अंडरगो ट्रेनिंग एट द इंपीरियल डिफेंस कॉलेज कैम्बरली यूके। क्या क्या करा इन्होंने, पहली बार स्टाफ कॉलेज अटेंड करने वाले पहले हिंदुस्तानी, बटालियन को कमांड करने वाले पहले हिंदुस्तानी, और फर्स्ट टू इंडियंस जिन्हें सेलेक्ट करा गया इंपीरियल डिफेंस कॉलेज कैम्बरली यूके में जाकर ट्रेनिंग लेने के लिए। इन्होंने वेरियस कैपेसिटीज़ में वेरियस यूनिट्स में सर्व करा, कमांड हेडक्वार्टर्स में भी सर्व करा, जनरल हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में भी सर्व करा, और बिफोर टेकिंग अप दी सी इन सी मतलब कमांडर चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी की रैंक, इन्होंने ईस्टर्न विंग्स और वेस्टर्न कमांड को भी कमांडर के तौर पर सर्व करा। मतलब कितनी चीज़ें इन्होंने पहले ऐसे भारतीय बने, पहले ये पहले वो, सब चीज़ उन्होंने ऐसे करी हैं जो फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, मतलब पहले भारतीय कितनी चीज़ों में थे। करियप्पा का जन्म 28 जनवरी 1999 को हुआ आपके शनिवार स्थाने कोडागु में, और ये फैमिली ऑफ फार्मर्स में पैदा हुए थे, ठीक है, फैमिली ऑफ फादर्स में पैदा हुए थे जिन जो कोंडनडेरा क्लाइंस थे। इनके फादर मडप्पा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे, और करियप्पा सेकेंड चाइल्ड थे इन अ फैमिली ऑफ 4 sons and 2 daughters, मतलब था 6 भाई बहनों में से ये दूसरे नंबर पर थे। ओके, अगला, इन्हें चिमा कहते थे इनके रिलेटिव्स, और इन्होंने अपनी एजुकेशन खत्म करी आपकी सेंट्रल हाई स्कूल मडिकेरियन इन द ईयर 1917। फिर इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई अटेंड करा अपनी एजुकेशन फर्दर कंप्लीट करने के लिए, और कॉलेज के टाइम पे इन्हें पता चलता है कि इंडियंस को आर्मी में रिक्रूट करा जा रहा है, और इन्हें ट्रेनिंग भी इंडिया में दी जाएगी, और इनकी मतलब बचपन की इच्छा थी ये सोल्जर बनना चाहते थे, तो उन्होंने ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करा। 70 एप्लीकेंट्स में से इन्होंने 1 of the 42 जो सेलेक्ट हुए थे, जिन्हें फाइनली दिल्ली कैडेट कॉलेज इंदौर में एडमिशन मिली। इन्होंने सारे एस्पेक्ट्स में बहुत अच्छा स्कोर करा, और 7th rank पे अपनी क्लास से पास आउट हुए, और इनकी कमेंडेबल सर्विस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें फील्ड मार्शल की रैंक नवाजी 28 अप्रैल 1986 एट अ स्पेशल इन्वेस्टिचर सेरेमनी हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन द ऑफिशियल होम ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। तो सोचिए, इतना एक डेकोरेटेड आदमी अगर देश में पैदा होता है, देश के लिए कुछ करता है, तो मेरे ख्याल से हम भी कुछ कर ही सकते हैं, ठीक है, हमें भी करना चाहिए। और ऐसे भारतीय जिन्होंने पहली बटालियन कमांड करी हो, पहले इंडियन मिलिट्री ऑफिसर जिन्हें स्टाफ कॉलेज क्वेटा में एडमिशन दिया गया हो, इंपीरियल डिफेंस कॉलेज कैम्बरली में जाने का मौका मिला हो, ठीक है, फार्मर की फैमिली से आते थे, वॉर संभाले इन्होंने, देखिए, और कितनी चीज़ें तो इन्होंने कर दी यार। 1975 के वॉर में जाते हैं, डिवीजन ऑफ द आर्मी एसेट्स इन्होंने हैंडल करा। तो मेरे ख्याल से हम इनके बारे में जितना बोले वो कम है, हम इनके बारे में जितनी बात करें वो कम है, बस हम यही कर सकते हैं कि ये अच्छे से बस इन्हें हम श्रद्धांजलि दें, हमेशा इन्हें याद रखें, और इनके ऐसे बनने की पूरी पूरी कोशिश करें। इनके बेटे केसी करियप्पा जी, वो भी एयर मार्शल बने आपके इंडियन एयरफोर्स में, ठीक है, केसी करियप्पा जी भी आपके एयर मार्शल बने। तो देखिए, अब तो फैमिली है इनकी, ये फैमिली है इंडियन डिफेंस फोर्सेज। मैं चाहता हूँ आप लोग भी एक दिन मेरी सीरीज में फीचर करें, आप लोग भी मेरी सीरीज में आके अपनी स्टोरी में आपको सुना पाऊँ लोगों को कि हाँ, ये बच्चा वैसे पढ़ता था, फिर देखिए आज ये लेफ्टिनेंट बन गया है, कैप्टन बन गया, कमांडर बन गया है, ब्रिगेडियर, फील्ड मार्शल, ऐसे कुछ बन गया। मेरा तो भैया बहुत अच्छा लगेगा मेरे से।
ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा जिस दिन आप ऐसे करेंगे। और मैं फिर से वही कहूँगा, अगर आप अपने ड्रीम को पहले अटेम्प्ट में पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई नो इफ नो बट विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, तो प्लीज़ ये बैच ज्वाइन करिए। मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, मैं ना कभी किसी को बोलता हूँ कि कोर्स खरीदो, अरे खरीदो ये वो ये वो, मैं फलाना ढंगाना में विश्वास नहीं रखता। मैं सीधा कह रहा हूँ, अगर आप पहले अटेम्प्ट में जॉब पाना चाहते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 60 डेज में आपको जॉब क्या, हम आपको कमीशन ऑफिसर बनाने के पूरी पूरी ट्राई करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपने एक नए हीरो के साथ इसी समय कल। ओके, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड मे गॉड गिव यू द हाईएस्ट ऑफ मोटिवेशन एंड ऑनर्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर।